हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारी लास्ट क्लास है फर्स्ट चैप्टर पे, और इस क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो गुट निरपेक्षता की नीति है, ना ही वो तटस्थता की नीति है और ना ही वो पृथकवाद की नीति है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का बन सकता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि गुट निरपेक्षता ना ही तटस्थता की नीति है और ना ही पृथकवाद की, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको क्या बताया, देखिए जो पहले डेफिनेशन समझेंगे कि पृथकवाद का मतलब क्या था और तटस्थता का मतलब है। देखिए पृथकवाद का मतलब है, देखिए पृथकवाद का मतलब ये होता है कि आप कोई भी देश जब अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है या फिर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, उसको कहते हैं पृथकवाद। ठीक है, और तटस्थता की नीति का मतलब होता है कि अपने आप को युद्ध में शामिल ना करने की नीति। क्या है पृथकवाद में, क्या है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। और क्या है तटस्थता, तटस्थता का मतलब क्या है कि इसमें युद्ध में ही शामिल नहीं होती। ये दोनों जो नीतियां हैं वो गुट निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि देखिए गुट निरपेक्ष में जितने भी देश शामिल थे उन्होंने ही पृथकवाद को मतलब अपनाया, नहीं तटस्थता को। देखिए पृथकवाद का मतलब क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से आपको अलग रहना था। देखिए अगर भारत किसमें था, गुट निरपेक्ष में था, तो भारत भले ही गुट निरपेक्ष में हो लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से उसने दूरी नहीं बनाई, और ठीक उसी प्रकार उसने तटस्थता की नीति का भी पालन नहीं किया। क्योंकि तटस्थता की नीति का मतलब क्या है कि अपने आप को युद्ध से दूर रखना, लेकिन भारत ने क्या किया, अपने आप को युद्ध से दूर नहीं रखा, उसने अपनी शांति सेनाएं भेज दी शीत युद्ध के समय में। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा कि जो गुट निरपेक्षता है ना ही वो तटस्थता की नीति है और ना ही वो पृथकवाद की नीति है। देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका के यहाँ 1787 के आसपास गृह युद्ध चल रहा था, तो उस गृह युद्ध के बाद उसने क्या किया था, किसी भी अंतरराष्ट्रीय मामलों में उसने हस्तक्षेप नहीं किया, जो कि क्या है एक पृथकवाद की नीति है। ठीक इसी प्रकार तटस्थता की नीति में क्या आएगा कि इसमें जब कोई देश किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होता तो वो क्या होगा तटस्थता की नीति। तो भारत ने क्या किया, इस नीति को नहीं अपनाया, उसने क्या किया युद्ध में हिस्सा लिया, तो ये क्या हुआ उसने तटस्थता की नीति का पालन नहीं किया और ना ही उसने पृथकवाद का पालन किया। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष का मतलब क्या नहीं है, ना ही तटस्थता है और ना ही पृथकवाद है।